दोस्तों एक नया टीवी लॉन्च हुआ है उसके अंदर ऐसी पिक्चर क्वालिटी है कि आप देख के दंग रह जाएंगे और उसके अंदर ये परसेंटेज एन है इतना वाइट कलर गैमेट है कि पता नहीं इंडिया गेट छोटा पड़ेगा या बड़ा और आपको वो टीवी ले लेना चाहिए और उसके अंदर क्या प्राइस दिया है क्या डील है ऐसी होती है डील्स और ऑफर्स चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या एमेजॉन लेकिन आपको ऐसा टीवी नहीं आपको एक अच्छा टीवी खरीदना है जो आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा हो और ऐसे ही डील्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा जिन टी से आपको थोड़ा दूर रहना है हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वी वन मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं बता चुका हूं आपको कि टीवी की डील्स जो आपको लेनी चाहिए और जो आपको नहीं लेनी चाहिए दोस्तों आप हैं इस चैनल को चलाने वाले और आप ही इस चैनल को आगे भी चलाएंगे मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने इस चैनल पे आने वाले अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट को इतना ज्यादा पसंद किया है और इस चैनल को इतना ज्यादा उठाया है आप इस चैनल को और ज्यादा उठाएंगे और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अफिलियट लिंक को प्लीज यूज करिएगा वही हमारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाता है और उससे आपका प्राइस जरा सा भी चेंज नहीं होता सीधा आपको अब डील्स बताता हूं इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा थोड़ा-थोड़ा बताऊंगा हर टीवी के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप मेरे दूसरे टीवी के वीडियोस को देख के पा सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं 32 इंच साइज के बारे में और Realme का Neo TV लॉन्च हुआ है मैंने उस टीवी को देखा भी नहीं है लेकिन 11000 रुपे में मिल रहा है बहुत ही ज्यादा सस्ता है जहां हर ब्रांड 15000 से कम कोई टीवी नहीं बेच रहा रियलमी इलेवन थाउजेंड रुपीज में बेच पा रहा है जबकि वो एक टीवी मैन्युफैक्चरर नहीं है ध्यान से सोचिए कैसे मिल रहा है वो टीवी इतने सस्ते में कुछ तो बात है इस चीज को समझिए और अगर आपका बजट इतना ज्यादा कम नहीं है तो इस टीवी को अवॉइड करिए और कोई भी और टीवी लीजिए अगर इतना कम बजट है तो फिर यह टीवी लेना सही होगा लिंक आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोच समझ के आप खुद फैसला करिए दूसरा टीवी आपको 32 इंच का बताता हूं और वो एक अच्छा टीवी है एल जी का एल एम शानदार टीवी है VA पैनल के साथ आता है इसमें आपको एच डी की सपोर्ट भी मिलती है इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन दो बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर पहली कमी इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है ब्लूटूथ है ही नहीं आप इससे किसी टाइप के हेडफोन्स को कनेक्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास ब्लूटूथ साउंड बार है तो ब्लूटूथ से आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको ऑक्स केबल लगानी पड़ेगी दूसरी बात इसके अंदर 10 वॉट की ऑडियो मिलती है जो कि एवरेज है आई वुड से बिलो एवरेज है लेकिन ये टीवी बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है 2020 का मॉडल है अभी पांच दिन पहले नाइनटीन 19,500 फाइव का बिक रहा था लेकिन इस समय यह 15,500 थाउजेंड का मिल रहा है और यही इसका लोएस्ट प्राइस भी रहा है टीवी की डील बहुत शानदार है टीवी भी अच्छा है अगर आपके लिए ब्लूटूथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके पास एक साउंड बार है जिसे आप किसी और तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो इस टीवी को खरीदिएगा और इसके लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिए अब आपको मैं थर्टी इंच के अंदर एक ऐसा टीवी बताता हूं जिसे मैंने अपने पिछले इंच के के वीडियो और शानदार टीवी है शानदार ऑप्शन है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का इस समय कॉस्ट कर रहा है और पता नहीं कितने अनाप शनाप ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास इसका प्राइस पहुंच चुका था लेकिन अब इसका प्राइस करेक्टेड है यह टीवी डी बैकलाइटिंग के साथ वीए पैनल का टीवी है इसमें आपको 300 हंड्रेड की ब्राइटनेस ब्राइटनेस मिलती है है बहुत अच्छी है. और इसमें आपको 40 वॉट की साउंड बार भी देखने को मिलेगी इनबिल्ट ऑडियो क्वालिटी भी बहुत शानदार है 15,500 बहुत ही अच्छा प्राइस है अगर आप एक ऐसा टीवी लेना चाहते हैं जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता हो तो यह टीवी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है आप इसे जरूर कंसीडर करिए इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देर मत करिए क्योंकि इसका प्राइस कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं रेडमी टीवी थर्टी इंच साइज के अंदर लॉन्च हुआ है मेरे हिसाब से ये मी TV 4A फोर प्रो की पूरी कॉपी है आपको सेम पैनल मिलता है सेम सॉफ्टवेयर मिलता है सेम फीचर्स मिलते हैं आपको पैचवॉल फोर का ओएस भी मिलता है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड विच इज अ गुड थिंग आल्सो आपको फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का इस समय कॉस्ट कर रहा है अगर आपका फिफ्टीन थाउजेंड से कम का बजट है Then this TV is good. आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इसके लिंक्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टीवी सिर्फ तभी कंसिडर करिए जब आपका फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज से कम का बजट है ओनली देन और अगर आपका बजट फिफ्टीन थाउजेंड से थोड़ा सा ऊपर है तो आपके पास एक और ऑप्शन है मी टीवी होराइजन इसके अंदर भी आपको बिल्कुल सेम फीचर देखने को मिलेंगे बिल्कुल सेम पैनल सिवाय से एक डिफरेंस के कि इसके अंदर आपको बेजल साइज बहुत ही थिन मिलेगा उसके लिए Xiaomi 1000 थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है और रुपीज के ये वाला टीवी बेच रहा है। लेकिन आपको उस पहले मैंने आपको ऑप्शन बताई Motorola ZX2 जो कि आपको 15,500 का ही कॉस्ट कर रहा है आपको कौन सा टीवी लेना है तीनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं ओपिनियन

तो आप बी टेन भी ले सकते हैं 55 इंच का टीवी 99,000 रुपीस के अंदर कॉस्ट कर रहा है इस समय इसके अंदर आपको 50 हर्ट से लेके 120 ट्वेंटी का वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा डॉल्बी विजन आईक्यू मिलेगा और तरह तरह के और सारे फीचर्स मिलेंगे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी दैट यू कैन बाय ओले टीवीज दैट यू कैन बाय बाय चांस आपको यह डील मिल जाती है और आप इस टाइप का बजट रखते हैं और आपको एक 55 फाइव इंच टीवी चाहिए डोंट मिस इट एंड प्लीज यूज माई लिंक बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट शिकायत और मुझसे रिक्वेस्ट आती है 65 फाइव इंच के टीवी के बारे में बताने की दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी जो आप बजट रेंज के अंदर अच्छा टीवी खरीदना चाहते हैं तो मैं बात कर रहा हूं हाईसेंस टोर्नाडो या फिर व्यू सिनेमा एक्शन की ये दोनों बिल्कुल सेम टीवीज हैं कुछ भी फर्क नहीं है सिवाय ब्रांड नेम के एक में आपको कहने के लिए 102 हंड्रेड वॉट की साउंड बार मिलती है इनबिल्ट और एक में 100 हंड्रेड वॉट की बट हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए पैनल के बारे में मेरी खुद की टेस्ट करी हुई फोर हंड्रेड सेवनटी ब्राइटनेस हमें इस पैनल में देखने को मिलेगी विच इज फैंटेस्टिक इन दिस प्राइस रेंज क्योंकि सेवेंटी टू इस समय प्राइस है दोनों ही टीवी का आपको जो अच्छा लगे आप वो लें ले लें हाइसेंस या व्यू लें आपके पास एक ही पैनल आ रहा है और एक ही साउंड बार आ रही है VA पैनल है डी लेट बैकलाइटिंग है एंड इट सपोर्ट एच डी आर टेन एच एल जी एंड डॉल विजन ऑल थ्री वीडियो फॉर्मेट्स। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स लिंक्स आर माइन। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं प्लीज उन्हें यूज करके इस टीवी को खरीदिया अगर आपका बजट सेवेंटी टू थाउजेंड के आसपास है एक सिक्सटी फाइव इंच टीवी खरीदने का मैंने आपको अपने 55 इंच वाले वीडियो के अंदर ये क्लियरली बताया था कि सोनी एक्स एट्टी का प्राइस कम होगा और वो प्राइस कम हुआ मैं अब आपको एक और बात बताता हूं और ये डील बहुत शानदार है मैं आपको सोनी का ही 65 इंच टीवी भी रेकमेंड कर रहा हूं इसके अंदर आपको आईपीएस डी पैनल मिलता है 400 हंड्रेड मिनट के आसपास इसकी पीक एच ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको डॉलबी विजन सपोर्ट भी मिलेगी एच डी और एच के साथ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी दैट यू कैन बाय और इस टीवी का प्राइस इस समय वन लाख इलेवन थाउजेंड रुपीज है अगर आप एक लाख रुपए के आसपास एक टीवी खरीदना चाह रहे हैं देन हियर मी आउट अरेन्ज करिए कहीं से एच डी एफ सी का कार्ड ऑफर लगाइए आपको सीधा टेन इलेवन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस टीवी को खरीदने पर और ये टीवी खरीदिए आपको एक लाख रुपए के आसपास पड़ेगा एंड दिस इज दाइंड बॉगलिंग डील अगर आपका ये बजट है तो लिंक मेरा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है उसे यूज़ करके इस टीवी को मिस मत करिएगा दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं 43 इंच या 55 इंच के टी के अंदर तो आपको मेरे इन दोनों वीडियोस को चेक करना चाहिए ये थोड़े लंबे वीडियोस हैं इसके अंदर आपको टाइम स्टैम्प भी मिलेगी लेकिन इन वीडियोस के अंदर आपको हर वो चीज़ पता चलेगी टी के बारे में जो आपको जाननी चाहिए और अपने पैसे खर्च करने से पहले आपको वो चीज़ें पता होनी ही चाहिए मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलता हूं जिसमें आपको मैं अलग डील्स बताऊंगा जुड़े रही है प्लीज